दोस्तों आज के वीडियो में हम लिशमन स्टेन बनाना सीखेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो ये आप पाउडर फॉर्म में हमारा लिशमन स्टेन है और इसको हम प्रिपेयर करके लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए क्या क्या हमें लगता है मैं इस वीडियो में पूरी बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो ये जो पाउडर फॉर्म होता है उसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले मिथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है। ये मिथेनॉल का कैंट है, इसमें मिथेनॉल है और मिथेनॉल बनाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन होते हैं तो जाकर मिथेनॉल बनता है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी ये मिथेनॉल का कैंट है जो डायरेक्ट प्रिपेयर किया हुआ रेडी है हमारे पास। और पाउडर फॉर्म में हमारे पास है लिशमन स्टेन। अब इसको हम लिक्विड फॉर्म में कैसे बनाएंगे, कितना हमें लिशमन डालना पड़ेगा। और जो कैंट है ये 2.5 लीटर का है, तो 2.5 में हमें कितने ग्राम लेना पड़ेगा लिशमन, तो याद रखिएगा 7.59 ग्राम हमें लिशमन का पाउडर है वो इसमें लेना पड़ेगा। तो उसको लिए वेट करते हैं, पहले वेट वाले मशीन पे जाएंगे और वहाँ पे 0.0 ग्राम सेट कर देंगे। अगर हम पेपर या कुछ भी अगर रखते हैं तो उसका भी वेट थोड़ा सा भी होता है, तो रख के और 0.0 कर देंगे। फिर वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी चम्मच या फिर किसी भी चीज़ से जो भी सुविधा हो हल्के हल्के उस पर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास चम्मच अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट जो डब्बा है उसे है डायरेक्ट इसमें ले रहा हूँ। तो बहुत ही केयरफुली लेना लिया जाता है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको स्टैंड, और ये वेट कर रहे हैं हम। वेट करने के बाद से इसको, क्योंकि ये हमको सिर्फ 7.59 ग्राम ही चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कि कम, क्योंकि कम ज़्यादा होगा तो हमारा जो लिशमन स्टेन बनेगा वो थोड़ा ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा और स्लाइड स्टेन बराबर नहीं कर पाएंगे हम। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है, 7.55 है। इसको और थोड़ा सा ऐड करेंगे और 7.59 ग्राम हमारा हो गया। अब ये करने के बाद से हम जो मिथेनॉल का जो कैन था उसका कैप ओपन करेंगे और ये सारे पाउडर को उसमें केयरफुली मिक्स कर देंगे, ऐसे डाल देंगे सब के सब। डालने के बाद से फिर इसको प्रॉपर तरीके से, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर अगर गिरा भी तो उसको भी सारा इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने वेट किया है। अब इसके कैप को लगा देंगे हम और पूरी तरह से जैसे पहले था वैसे सील कर देंगे। सील करने के बाद से उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है। मिक्स करेंगे कि जो भी लिशमन पाउडर था वो इसमें पूरी तरह से मिल जाए, और मिलने के बाद से फिर हमें 24 to 48 आवर्स के लिए ऐसे रख देंगे कि पाउडर फॉर्म का जो लिशमन था पूरी तरह से इसमें घुल जाए। जब घुल जाएगा उसके बाद से फिल्टर पेपर पे इसको फिल्टर करेंगे, और करने पर फिर हमारा लिशमन स्टेन तैयार हो गया और स्लाइड स्टेन कर सकते हैं हम इस पर।